लोग इस मारुति सुजुकी जिम्नी को ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं, बट मैं आज आपको बताऊंगी कि ये कैसे एक फैमिली एसयूवी विद गुड स्पेस साबित होगी। सो सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी, चाहे इसकी फ्रंट रो, चाहे सेकंड रो, चाहे इसकी बूट स्पेस, सब डिटेल में शेयर किया जाएगा टेस्ट करके। और इवन इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं, उनका एक्सपेक्टेड क्या प्राइस होने वाला है, लॉन्च कब होगी एक्सपेक्टेड डेट में आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बूट स्पेस। क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आपने बूट ओपन करनी है, एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको जिम्नी में मिल जाता है, लाइक अब आपने सामान वगैरह यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ता आपको डोर ओपन करने के लिए, बस आपको कुछ करना है कि खुद ब खुद डोर ओपन हो जाएगा। अब देखो 208 लीटर की बूट स्पेस, मुझे नहीं लगता 208 की है, उससे ज़्यादा ही लगती है। बिकॉज देखो मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकती हूँ, इवन चौकड़ी मार के भी बैठ सकती हूँ, क्वार्टर विंडो है, मुझे बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड फील नहीं होगा। लाइक अगर हम कहें कि आपके 4-5 दोस्त जा रहे हैं सेंटर में, जो सेकंड रो में सिर्फ दो ही बैठना चाहते हैं, एक बंदा रिलैक्स करना चाहता है तो पीछे आराम से कुछ इस तरह रिलैक्स कर सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा ये फैमिली एसयूवी है, तो जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाते हो तो सामान तो लेके जाते हो, ऑब्वियसली सब लेके जाते हैं, तो आपको सामान भी रख के दिखा देती हूँ जितना मेरे पास है। सो एक छोटा बैग, इसको हम रखेंगे कुछ इस तरह, नहीं कुछ इस तरह। सेकंड कुछ इस तरह। थर्ड, ये भी काफ़ी बड़ा बैग है, हमारा कैमरा बैग है, तो हम इसको रखेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो लोग कर ही रहे हैं थार से कंपेयर, मैं भी थोड़ा सा कर देती हूँ बूट स्पेस में, तो मुझे नहीं लगता एक भी बैग आएगा ऐसे इतनी इजीली थार में जितनी जिमनी में आ चुकी है। और इवन अगर हम बड़े बैग की बात करें तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे बड़े बैग भी रखे जा सकते हैं, इवन दो बड़े बैग, एक छोटा बैग रखा जा सकता है, उसके अलावा अपने किट वगैरह रख सकते हो, तो ह्यूज बूट स्पेस मिल जाती है। अगर 3-4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आराम से एडजस्ट करके उनका 3-4 लोगों का सामान रखा जा सकता है। अगर तो 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हो, कुछ इस तरह ये फोल्ड हो जाएंगी। इवन दोनों सीट्स आप फोल्ड करके कितनी सारी बूट स्पेस, जितना सामान रखना है उतना सामान रखो। अब सामान तो आप रख लोगे, बट लोगों के बैठने में कितनी स्पेस है, कितना कंफर्ट है, वो भी तो ज़रूरी है ना, तो उसे हम चेकआउट करेंगे। चलो चलते हैं, पहले सेकंड रो में चेक करूँगी, क्योंकि फर्स्ट रो तो पता ही होता है ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, बट सेकंड रो इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर ये 4 सीटर या 5 सीटर है तो क्या 5 लोग या 4 लोग बैठ सकते हैं कि नहीं। सो अब हम बैठेंगे सेकंड रो में। सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक तो इसकी बड़ी सारी विंडो मिल जाती है, नेक्स्ट जो इसकी डोर है ना उसमें इंक्लूडेड है व्हील आर्क, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डोर ओपन हो जाता है। अब पहले तो सीट्स की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं। फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती हैं जिसका कंफर्ट अगर कंपेयर करें थोड़ा सा थार से, जो ऑफ रोड व्हीकल है, तो बहुत बढ़िया मिल जाता है। ऑनेस्टली उसके सेकंड रो में बैठी हूँ तो बड़ी कमर दुखती है उसमें, बट इसमें मुझे लगता है कि इतनी बैक पेन नहीं होगी। और अब जो मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, उसके हिसाब से मुझे आप देख सकते हो कि नी रूम अच्छा खासा मिल रहा है और हेड रूम भी मेरे हिसाब से सफिशेंट मिल रहा है। बट अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो आप देख सकते हो कि इतना नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली, बट मैं आराम से ऐसे बैठ सकती हूँ। और मैं इस तरफ आपको बैठ के दिखाती हूँ, इस तरफ भी बैठ सकते हैं लोग। बट अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े बच्चे नहीं बैठ सकते क्योंकि उसमें इस तरह बैठना पड़ेगा। इस तरफ अगर 3 लोग बैठेंगे, जो सेंटर वाला पर्सन देखो ऐसे तो बैठ नहीं सकता, अगर लेग सेपरेट करके बैठेगा तो जो साइड वाले पर्सन उनको दिक्कत आ सकती है, तो टेक्निकली ये जो व्हीकल है जिमनी है वो 4 सीटर है। बाकी एडजस्ट करना, देखो इंडियन लोग ना एडजस्ट कर ही लेते हैं, तो मैं तो कहती हूँ इसमें 6 लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5
एडजस्ट कर ही रहे हो तो 6 यहाँ बैठ सकता है। हालांकि सेफ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, बाकी ठीक है, समझ जाओ। हाँ, नेक्स्ट स्पेस वाइज, अब मैंने बैठने की स्पेस तो बता दी, बाकी 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है कंफर्ट को ऐड करने के लिए। अब मेरे को ना फ़ोन रखना है अपना, कहाँ रखूँ, दिख नहीं रही स्पेस। ओ या पॉकेट में मैं रख सकती हूँ, यहाँ पे इस तरफ ही जो मेरा फ्रेंड बैठेगा ना, अब हमारी लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पे नहीं, उसको इस तरफ ऐसे नहीं रखना पड़ेगा। तो दोनों साइड ही पॉकेट्स ऑफर की जाती है। हालाँकि अब ना मेरे पास पानी की बॉटल है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ, डोर पे तो स्पेस है ही नहीं। बट उसका भी सलूशन है, उसकी स्पेस दी गई है यहाँ पे, 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं। हालांकि एसी वेंट्स इसमें ऑफ़र नहीं किए गए, उसका रीज़न ये है कि इतनी भी बड़ी गाड़ी नहीं है, मतलब छोटी ही गाड़ी है, इसकी वजह से इतनी ज़रूरत नहीं लग रही, आगे से भी आपको ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी। अब देखो यार, मुझे ना, मैंने जो यहाँ पे न्यूज़पेपर और बुक के लिए स्पेस मिली है ना मुझे, तो वो रीड करनी है। बट लाइट, यस लाइट भी ऑफर की जाती है, हालांकि सेंटर में ऑफर की जाती है। हैलोजन आपको इनके टॉप मॉडल में भी हैलोजन मिलती है, और इसके जो लोअर वेरिएंट है, वेरिएंट में आपको आगे बताऊंगी कितने वेरिएंट मिलते हैं, उसमें भी हैलोजन आपको अंदर लाइट ऑफर की जाती है। और देखो आर्मरेस्ट, मैं यहाँ क्यों आर्म रख रही हूँ, क्योंकि इसमें ना आर्मरेस्ट ना मिसिंग है, तो अगर होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास अगर ऑलरेडी कार है या आप न्यू गाड़ी देख रहे हो जैसे कि जिमनी, या फिर आपने और भी बड़ी गाड़ी लेनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन्वॉल्व का कार परफ्यूम जो है स्प्रिंग वाटर। ये समर के लिए बढ़िया है, और भी बहुत सारी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, इस तरह का आपको कुछ मिलेगा, आपको IRBM पे लगाना है और जस्ट 3-4 स्प्रेज आपको लगानी है, और आगे से लेके पीछे तक इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है ना, रिफ्रेशिंग फील होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी समर के लिए स्प्रिंग वाटर, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब चेक करते हैं इसकी ड्राइवर की स्पेस और कंफर्ट। पहले तो अगर आपने अंदर जाना हो, आपको ये ब्लैक बटन दिखेगा, ये रिक्वायर सेंसर है, कीज आपकी पॉकेट में, आपको जस्ट प्रेस करना पड़ेगा तो ये गाड़ी ओपन हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। तो अब बैठते हैं ड्राइवर सीट पर। देखो फैब्रिक सीट जैसे मैंने आपको बताया कंफर्टेबल है। अब मेरी हाइट भी मैंने बता दी आपको 5'4", उसके हिसाब से मुझे अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, एंड इवन बैक सपोर्ट जो कुशनिंग मिल रही है ना, वो मुझे थार से बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊँ बढ़िया मिल रही है। अब अगर हम ऑफ रोड व्हीकल के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो ये बेटर है। और जैसे आपने दूसरी SUV फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेजा हो गई, उसका जो सीट्स मिलती है ड्राइवर से, उस तरह का आपको कम्फर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट हेडरूम आप देख सकते हो, इवन जो जिसकी बड़ी हाइट है 6 feet से भी ऊपर पर्सन है, उसको भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो इतना ज़्यादा हेडरूम मिल जाता है, इस तरह भी अगर आप बैठोगे तो उनको दिक्कत नहीं आने वाली। बट जो इसकी सीट्स है ना, वो थोड़ी सी मुझे, मतलब आप कह सकते हो कम, जो विड्थ वाइज है ना वो कम लगी है, क्योंकि जो पर्सन हैवी है उसको जो थोड़ी सीट्स है ना, वो विड्थ वाइज थोड़ी सी कम लगेंगी, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट अगर मेरे जैसे थोड़े से मोटे लोग हैं, उनको दिक्कत नहीं आने वाली, सॉरी हेल्दी। एंड जो इसकी ड्राइवर सीट है, वो 4-way एडजस्टेबल है, जिसको आप आगे पीछे एंड रिक्लाइन कर सकते हो। हालांकि हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है ये, सिर्फ 4-way, वो भी आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। एंड साइड पे मैं अगर बात करूँ तो कप होल्डर किस तरह का नहीं दिया गया, हालांकि आप छोटे मोटे न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, कुछ उस तरह का पेपर वाला सामान यहाँ पर रख सकते हो। कप होल्डर मुझे लगता है कि आपको अपने जो पीछे बैठे हैं लोग, उनको पकड़ाने पड़ेंगे, और वो अपने कप होल्डर अपने जो पीछे दिए गए ना उसमें रख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी को ड्राइवर साइड पे। सो अब चलते हैं इसकी को ड्राइवर की स्पेस देखने। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसकी जो इस तरफ भी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है, 3 रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, एक ड्राइवर, को ड्राइवर एंड बूट डोर पे भी। और एक अच्छी चीज़ बतानी है मुझे कि इसके जो विंडो पेन है ना, बहुत बड़ा है। चलो अब हम बैठ गए हैं। इसका कंफर्ट भी जो ड्राइवर सीट है ना उस तरह का ही है, उतना ही मुझे अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। एंड हेडरूम भी आप देख सकते हो, मेरे हाइट के हिसाब से तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हेडरूम मिल जाता है। अगर 6 feet से भी ऊपर पर्सन है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसको भी सफिशिएंट स्पेस मिलने वाली है, इवन नी रूम की बात भी करूँ। एंड ग्लव बॉक्स में आपको
डिसेंट स्पेस मिल जाती है, ऐसा इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं ऑफर की जाती। और उसके अलावा इस तरफ भी आपको इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती क्योंकि बड़ा फ़ोन ही रख पाओगे, अदरवाइज़ जब आपको यू नो झटके वगैरह लगेंगे गाड़ी में तो फ़ोन गिरने की आशंका बन जाती है। और कप होल्डर आपको किस तरह के नहीं ऑफर किए जाते, फ्रंट साइड में सिर्फ 2 कप होल्डर मिलते हैं जो कि आपको पीछे दिए जाते हैं फॉर सेकेंड रो पैसेंजर। तो अगर आपको कप होल्डर, अगर आपके पास ग्लास है तो आपको पीछे ही देना पड़ेगा या फिर आपको हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। इस साइड पे आपको डोर स्पेस में आपको यू नो पेपर्स वगैरह रख सकते हो, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर वगैरह रखे जा सकते हैं। एंड जो इसकी को ड्राइवर सीट है वो 4-way एडजस्टेबल है, सेम एज ड्राइवर सीट, जिसको आप रिक्लाइन कर सकते हो एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो। अब बारी आती है कि मारुति सुजुकी जिम्ने में आपको कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, 1, नहीं 2, यस 2 वेरिएंट्स आपको ऑफर किए जाएंगे, जेटा एंड अल्फा। जेटा में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर की जाएगी जो कि टॉक कन्वर्टर है। एंड जिसका टॉप एंड वेरिएंट है अल्फा, उसमें भी आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4-speed टॉक कन्वर्टर ऑफर किया जाएगा। अब एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाला है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि 10 lakh में आएगी जिमनी या यू नो 9.99 lakh में जिमनी आएगी, जो जस्टिफाइड जो एक्सपेक्टेड आ सकता है इसका प्राइस फॉर जेटा वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो इसका बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइस जो एक्सपेक्टेड होगा 11,49,000 के आसपास हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट इतना जस्टिफाइड है। और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है जो कि है अल्फा टॉक कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक, उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो 13.99 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14 lakh के आसपास आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है। देखो अगर हम इस गाड़ी के साइज़ की बात करें, एक आपको SUV वाली फील मिल जाती है, 4x4 कैपेबिलिटीज़ है और 4x4 कैपेबिलिटी के साथ साथ आपको इसमें कंफर्ट भी मिल जाता है और बड़ी टच स्क्रीन आई है जिसकी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके आसपास प्राइस होगा। कंपनी ने भी तो कुछ यू नो कमाना है और मुझे लगता है कि थार अपनी जगह ठीक है ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से। अब आप एक गाड़ी लेते हो ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से, कितना कर लो, एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 3 बार कर लोगे, 4 बार कर लोगे, तो बट जो आप उस गाड़ी को जब लोगे, आप सिटी में चलाने के लिए अलग गाड़ी तो नहीं लोगे ना, तो दोनों का मिक्सचर आपको जिमनी में ऑफर किया जाता है। आप सिटी में भी इसको आराम से चला सकते हो, आपको कम्फर्ट मिल जाएगा एंड मुझे लगता है कि आपके लिए जिमनी सही रहेगी। आपको कभी कभी ऑफ रोडिंग करनी है एंड प्राइस वाइज भी, अब देखो अब जो लोग हैं ना कंपेयर कर रहे हैं थार 3-door को इस 5-door जिमनी के साथ, जब थार 5-door आएगी ना उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जब आप जो 5-door जिमनी है ना इसके सेकेंड रो में बैठना भी ईजी है एज़ कम्पेयर टू थ्री डोर थार में। अब जो आप जिमनी लेने वाले हो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका दिल यानी कि इंजन। इसमें आपको 1.5 लीटर का K15B इंजन ऑफर किया जाता है जो जनरेट करता है 104 PS एंड 134 न्यूटन मीटर टॉर्क, और ये आता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4-speed टॉर्क कन्वर्टर के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि जिमनी में 4-speed टॉर्क कन्वर्टर क्यों है, जो कि ब्रेजा में वही सेम इंजन के साथ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर है। बिकॉज देखो उसमें इतना टॉर्क्यो नेचर नहीं है, अगर इसमें 6-speed दे देते ना तो इसका टॉर्क्यो नेचर ख़त्म हो जाता जो कि बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इस गाड़ी के इस इंजन इसके करेक्टर के हिसाब से 4-speed टॉर्क कन्वर्टर एक बढ़िया ट्रांसमिशन है। अब मैंने इसकी स्पेस, इसके वेरियंट्स एंड इट्स एक्सपेक्टेड प्राइस भी आपको बता दिए हैं एंड इवन इंजन के बारे में भी बता दिया है, तो थोड़े हाईलाइट फीचर मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसके टॉप एंड वेरियंट में आपको LED हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, फॉग लैम्प्स आपको मिल जाते हैं जो कि हेलोजन है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प वॉशर भी ऑफर किए जाते हैं, जब आप ऑफ रोडिंग करोगे मिट्टी वगैरह में गाड़ी जाएगी तो आपके हेडलैम्प्स गंदे हो जाएंगे तो आप इससे वॉश कर सकते हो। और उसके अलावा आपको अंदर भी काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक AC, 9 inches की बड़ी टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले एंड कनेक्टेड फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं एंड इवन क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर किया जाता है। और मैं आपको इंटीरियर का भी पूरा दिखा देती हूँ एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना पूरा टी शेप आपको ऑफर टी शेप आपको जो है ना
डैशबोर्ड ऑफर किया गया है, उसकी वजह से जब आप गाड़ी यू नो ऑफ रोडिंग करते हो, जो जो उसकी अलाइनमेंट वगैरह है वो आराम से आप देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बाकी जब आपको हेडरेस्ट है आपको चार मिल जाते हैं जो कि चारों एडजस्टेबल है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, यानी कि वॉक अराउंड एक एक चीज़ बताई है, एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और भी मिल जाते हैं, एंड इवन इसमें जो दो वेरिएंट आते हैं क्या फ़र्क है, किस वेरिएंट में कितने फीचर्स आते हैं, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसे चेकआउट ज़रूर कर लें। सो आपको मारुति सुजुकी जिमनी कैसे लेके, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप देख ही सकते हो मैं इसके साथ मैचिंग करके आई हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।